हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ मे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये मेकअप लुक, विच इज़ फॉर वेरी न्यूली मैरिड गर्ल्स और वुमेन। तो जैसे कि आपको पता होता है, न्यूली ब्राइड टॉप ऑफ द टाउन ही होती है, सबकी नज़रें उन पर होती हैं। तो मेकअप इज़ अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, फेस वॉश कर लेंगे। उसके बाद टोनर अप्लाई किया है मैंने गुड वाइब्स का। उसके बाद हम अपनी स्किन को प्रेप कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि पोर्स मिनिमाइज हो जाए और जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का एलोवेरा जेल, जो कि प्राइमर मॉइस्चराइज़र का अच्छे से काम कर देता है दोनों का। आपका बेस जितना अच्छा होता है उतना अच्छा फाउंडेशन आपके फेस पे सही लगता है, और उससे सारा मेकअप है जो फ्लॉलेस लगता है। ऑब्वियसली आप न्यूली मैरिड है तो आप चमकने चाहिए हर जगह। एंड यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र में मम्मा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आई एम अ ऑयली स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जो आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो आप वो कर सकते हो। ये मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया। अब बारी है फाउंडेशन की, और फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन। आई एम इन दी शेड 112 आइवरी। बस थोड़ा सा इसको पंप कर लेंगे एंड विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इससे काफ़ी अच्छी तरह, और आपका फाउंडेशन फटाफटा भी नहीं लगता, और जो हमने प्राइमर लैक्मे एलोवेरा जेल लगाया उससे काफ़ी अच्छा लगता है आपका फाउंडेशन। तो उसको मैं डायरेक्ट इससे अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। ये मैं अपने पहले वीडियो में इसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, और ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी ये मैट फिनिश भी देता है और ऑयली स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। थोड़ा सा और लेके मैं इसी से कंसीलिंग का भी काम कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा हैवी लुक पसंद नहीं है। जैसे इसी को डबल कर लेते हैं अपने आई अंडर आइज़ पे, जस्ट थोड़ा सा फॉरहेड पे, एंड योर चिन। और अब हम अपने फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन को सेट कर लेते हैं हम कॉम्पैक्ट पाउडर से।
यहाँ पे मैं फेसेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया हमारा बेस तैयार। अब मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी, ये लैक्मे का रोज़ पाउडर, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है ये। एंड जस्ट विथ दिस आईज के नीचे आप इसको यूज़ करें, ताकि आप जब आई मेकअप भी करें तो थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो आपका बेस जो है ख़राब नहीं होगा। एंड इसको यहाँ तक लगाएं ताकि आपका फेस भी अपलिफ्ट लगे। थोड़ा सा अब हम थोड़ा अब बारी है आई मेकअप की। एंड आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई शेडो पैलेट, ये द मॉर्फ हिल पैलेट है बाय मॉर्फ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, काफ़ी डिस्काउंट पे मुझे मिल गई थी। एंड लुक एट द कलर्स, कितने अच्छे इसमें शेड हैं। इसमें मैट शेड्स भी हैं, शिमर शेड्स भी हैं, और आई थिंक ग्लिटर भी है एक दो। दिस इज़ वेरी गुड पैलेट। अब मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी अपने आउटफिट के हिसाब से, आप आई शेडो कलर्स पिक कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड। एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप हमेशा डैप करके निकाल दें। मैंने ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन। और हमेशा ध्यान रखें आपका आई मेकअप जो है यहाँ से यहाँ के लाइनिंग में अच्छा लगता है, उससे इधर उधर हो जाता है तो वो काफ़ी अनप्रोफेशनली लगता है अकॉर्डिंग टू मी। Now I'm using on both my eyes. You can see this is the color actually. So now I'm using this shimmer shade, which is again really very good for my centers. Kyunki you are the newly married girl, so you have to shine. Sabki nazare aap par hi hoti hai. थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर लेंगे अपनी आईज पर। एंड अगेन आई एम यूजिंग सेम एज दिस साइड। Thank you.
आप कॉर्नर्स को अच्छे से ब्राउन और बर्गंडी कलर से आई थिंक मैं कर रही हूँ एंड दिस इज ऑसम। यू कैन ऐड मोर शिमर टू योर आईज। तो हमने आई शेडो अपनी ठीक कर ली है एंड देन फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग मेबलिन का हाइपर ग्लॉस आई लाइनर है ये एंड अगेन ग्लॉस ग्लिटर फॉर न्यूली मैरिड्स। काफ़ी फाइन टिप है इसकी। ये मैंने यहाँ विंग आईलाइनर क्रिएट किया है। सेम ऑन द अदर साइड। सो हमने आईलाइनर खत्म कर लिया है एंड अब हमने आईलैशेस के लिए मैं यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत हैवी लुक हो जाता है एंड इतनी गर्मियों में लैशेस पहनना इज सो मैसी। यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर गर्ल मस्कारा। बहुत अच्छा, मेरे पास ब्लैक है और वाटर प्रूफ है और सच में वाटर प्रूफ है ये। काफ़ी हटता ही नहीं, मेकअप भी जब रिमूव करने लग जाओ तब भी नहीं हटता उससे विदाउट एनी मेकअप रिमूवर। एंड यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की आर्टिस्ट और ब्राउन पेंसिल। इसके एक साइड पे ब्रश है एंड दूसरे साइड पे पेंसिल है। काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे तो आई हैव वेरी गुड एंड थिन एंड फाइन थिक एंड फाइन आईब्रोज, तो मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ आईब्रो पेंसिल बिकॉज आई एम ब्लास्ट विद गुड आईब्रोज। एंड अब आती है बारी लिप्स की एंड लिप्स के लिए मैं लैकमे का एक बहुत ही प्यारा शेड यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम लैकमे फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर। मेरा शेड है 24 पिंक पंच। दिस इज़ वेरी वेरी गुड लिप कलर। पिंक और पर्पल का काफ़ी अच्छा शेड है ये। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा शेड है ये लिपस्टिक लैकमे फॉरएवर मैट। एंड ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इसी में से ये एक शिमर्स शेड ताकि ग्लो भी अच्छा आए।
एंड मैं कंटूर के लिए भी इसी में से ऑल इन वन पैलेट ही समझ लो इसको। कंटूरिंग के लिए मैं एक ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। हमेशा कंटूरिंग में आपके फेस से कम 3-4 शेड डार्कर होना चाहिए आपका जो कंटूर आप जिस कलर से कर रहे हो। जस्ट हॉलो ऑफ योर चीक्स। अब हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। ये मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, इतनी अच्छा इसका ग्लो है, यू शाइन लाइक एनीथिंग। बस चीक्स पे लुक एट द ग्लो शाइन। थोड़ा सा चिन एरिया पे थोड़ा सा नोज पर फॉरहेड। बहुत अच्छी शाइन है इसकी। एंड बस मैं थोड़ा सा टिप से लेकर अपने आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूँगी। एंड लुक एट दिस, आई शेडो आपकी बहुत अच्छी लगती है, इससे ग्लोई लगता है फेस। सो नाउ बारी है, तो बारी अब सिंदूर की। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का सिंदूर यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड सिंदूर मैं यहाँ पे अपने इयररिंग्स भी वेयर कर लेती हूँ। हम अपने इयररिंग्स पहन लेते हैं, दिस ब्यूटीफुल झुमकास। अब जल्दी से चेंज कर लेते हैं अपना आउटफिट, बट बिंदी तो रह गई। इफ यू लाइक व्हाट द हेल, अब जल्दी से चेंज कर लेते हैं अपना आउटफिट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने अपने बालों को जस्ट पफ बना के पिनअप कर लिया है एंड सी।